हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेसिक सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डोर और विंडो के वेरियस पार्ट्स के बारे में देखेंगे, जो कि जूनियर एग्जाम के इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऑल स्टेट के एग्जाम होते हैं, रेलवे एसएससी के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम, और स्टेट लेवल में वैपम के एग्जाम में इससे एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके स्टैंडर्ड साइज के बारे में पूछ देता है, तो कभी इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ देता है। आज हम डोर और विंडो का देखेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड साइज के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखना है। इसका जैसे हेड क्या होता है, हॉर्न क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, मलियन क्या होता है, बॉटम रेल क्या होता है, इसके बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वैपम के एग्जाम में। जैसे सील क्या होता है, तो इसके सबसे पहले अपन इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक डेफिनेशन। तो फर्स्ट वन ये है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मेंबर विच फॉर्म अ सपोर्ट फॉर अ डोर और विंडो। मतलब ये फ्रेम क्या होता है, जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेंबर होता है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेंबर होता है ये डोर और विंडो को सपोर्ट करता है, उसे ही फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन हेड, इट इज़ द टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अ फ्रेम। जो डोर और विंडो का अपर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे ये पोर्शन हेड कहलाता है। तो इसमें आपको पूछ देगा कि इट इज़ द टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अ फ्रेम, उसके बाद ये चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको पहचानना है इसमें क्या होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट वन क्या है, इट इज़ द बॉटम और लोअरेस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अ विंडो फ्रेम। मतलब विंडो फ्रेम के जो लोअरेस्ट पार्ट होता है उसको सील बोलते हैं, विंडो का जो लोअरेस्ट पार्ट है उसको अपन सील बोलते हैं, लोअरेस्ट पार्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन हॉर्न, इट इज़ अ हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सील बियॉन्ड द फेस ऑफ फ्रेम। मतलब ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होता है हेड के पास, जैसे आप ये इसमें देख पा रहे हैं, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है ये इस साइड भी है दोनों साइड में, और नीचे भी रहता है, वही बोल रहा है। हॉर्न ये होता है कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ हेड के साइड में जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होता है डोर विंडो के बाहर, उसे ही अपन हॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट वन है स्टाइल क्या होता है, नेक्स्ट वन इज स्टाइल क्या होता है, इट इज़ द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर ऑफ अ डोर और विंडो। मतलब जो आपका पैनल होता है, जो पल्ला होता है, पल्ला के जो साइड में जो वर्टिकल मेंबर होता है वो ही स्टाइल कहलाता है। मतलब ये तो आपका फ्रेम हो गया है ना, जो वर्टिकल मेंबर है, और ये वर्टिकल मेंबर जो अपना पल्ले के साथ लगा रहता है उसको ही अपन स्टाइल बोलते हैं। तो आपको इसमें ये पूछ सकता है कि द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर ऑफ अ डोर और विंडो क्या होता है, और उसमें चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें पहचानना है। तो वर्टिकल मेंबर जो भी होता है, जो डोर विंडो के शटर से लगा हुआ होता है, उसे ही स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इज जंप, इट इज अ वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ द डोर एंड विंडो। जंप क्या होता है, जिसमें अपन ये जैसे ये विंडो है, विंडो का जो अपन फ्रेम को जाम करते हैं वो ही जंप कहलाता है। देखो जैसे ये वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है, ये इसमें अपन जाम करते हैं, उसी को जंप बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, डोर को अपन इसमें जंप करते हैं वर्टिकल मेंबर में, वो जंप कहलाता है। रिवील क्या होता है, इट इज़ द एक्सटर्नल जंप ऑफ अ डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल टू द वॉल फेस। ये एक्सटर्नल जंप होता है, जो डोर और विंडो के लिए सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल साइड होता है, ये जंप है, इसके एक्सटर्नल साइड को ही अपन रिवील बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन रिबेट, इट इज द डिप्रेशन और रिसेस मेड इनसाइड द डोर और फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर। मतलब ये होता है रिबेट, ये होता है कि मतलब डोर और विंडो को अपन लगाने के लिए जो अपन इसके साइड में जो एक मतलब रिबेट करते हैं, मतलब एक नॉर्मल साइज का जो डोर सेट करने के लिए अपन फ्रेम में जो इधर से कटिंग करते हैं, ऊपर साइड से कटिंग रहता है, उसी को अपन रिबेट बोलते हैं। इसमें भी होता है, डोर में भी ये ऊपर पोर्शन से यहाँ से कटिंग रहता है फ्रेम में, ताकि आपका दरवाज़ा उसमें और विंडो आसानी से सेट हो जाए, तो उसे ही रिबेट कहते हैं। मलियन क्या होता है,
इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर ऑफ अ फ्रेम विच इज इम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड और विंडो और डोर। मतलब ये होता है कि आपको डोर और विंडो को सब डिवाइड करता है, जो बीच का पैनल होता है, इसमें जो बीच का पोर्शन होता है उसे हिमालयन बोलते हैं। इसमें भी वही है, इसमें जो बीच का पैन वर्टिकल मेंबर होता है, जो सब डिवाइड करता है डोर को या विंडो को, उसको ही अपन मलियन बोलते हैं। इसमें एंटर नहीं है, इसमें कर देते हैं। ये वाला पोर्शन, ये मलियन है। उसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ट्रांसम क्या होता है। इट इज़ अ हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ अ फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड अ विंडो ओपनिंग हॉरिजेंटली। मतलब ये ट्रांसम ये होता है कि मतलब ये ऊपर में, जैसे अपन जो बड़े रिहायशी इलाके में जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके अपन विंडो में देख लेते हैं, उसमें ऊपर में एक लाइट के लिए प्रोफेसर रहता है, ऊपर में हॉरिजेंटल मेंबर रहता है डोर के। ये तो डोर का अपना पल्ला हो गया, ऐसा ओपन होगा दोनों साइड, और ये उसके ऊपर में जो एक ट्रांसम रहता है, एक कांच लगा दिया रहते हैं उसको लाइटिंग के लिए, उसे ही ट्रांसम कहते हैं। हॉरिजेंटल मेंबर होता है जो डोर को सब डिवाइडेड करता है, मतलब हेड और ये आपका पैनल के बीच में सब डिवाइडेड रहता है, इसे ही ट्रांसम बोलते हैं। उसी प्रकार आप देख लेते हैं इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डेफिनेशन तो हम लोग देख लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। जो बेसिक डेफिनेशन है इसी के अंदर से पूछेगा क्वेश्चन आपको, पूछेगा तो कि रिबेल क्या होता है, मलियन क्या होता है, ट्रांसम क्या होता है। अगर इसको एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है डायग्राम के साथ, तो ये क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वन इज द वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द डोर फ्रेम इज कॉल्ड। जो वर्टिकल मेंबर है जो सपोर्ट करता है डोर और फ्रेम, सपोर्ट द डोर फ्रेम इज कॉल्ड जंप। ये इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, रिबिल्स, टाइल्स, पोस्ट और जंप, तो इसका आंसर हो जाएगा जंप। जो वर्टिकल मेंबर है, मैं बताया था, जो वर्टिकल मेंबर है जो सपोर्ट करता है फ्रेम और डोर को, वो जंप कहलाता है, दोनों में, डोर में भी विंडो में भी, तो इसमें भी ये जंप हो जाएगा। जो वर्टिकल मेंबर है जो दोनों को सपोर्ट, डोर विंडो को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एक्सटर्नल जंप ऑफ अ डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल टू द वॉल फेस इज कॉल्ड। जो एक्सटर्नल जंप है, एक्सटर्नल जंप में बताया था आपको रिवील, एक्सटर्नल जंप ऑफ अ डोर और विंडो ऑफ राइट एंगल टू द वॉल फेस इज कॉल्ड, ये हो जाएगा आपका रिवील। मतलब जो एक्सटर्नल जंप है, जंप के एक्सटर्नल साइड में जो होता है वॉल फेस में, उसको ही अपन जंप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ अ फ्रेम इम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड अ विंडो ओपनिंग हॉरिजेंटली इन कॉल्ड। अभी इसका डेफिनेशन देखे थे, हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ फ्रेम इम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड विंडो ओपनिंग हॉरिजेंटली। मतलब जो हॉरिजेंटली मेंबर होता है विंडो का ऊपर साइड में, जो सब डिवाइडेड करता है लाइट, एक्चुअल में ये लाइटिंग के लिए ही रहता है, तो इसे ही अपन ट्रांसम बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द बॉटम और लोअर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अ डोर फ्रेम विंडो फ्रेम इज नोन एज। दो जो बॉटम और लोअरेस्ट पार्ट होता है, इसका भी डेफिनेशन हम लोग देखे थे विंडो में, ये जो सील है, जो लोअरेस्ट पार्ट होता है वो सील कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सील, इसका आंसर हो जाएगा सील। उसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अ फ्रेम इन डोर और विंडो। इसको भी देख लिया है अपन, जो टॉप और हॉरिजेंटल, टॉप अपर मोस्ट हॉरिजेंटल मेंबर और पार्ट ऑफ फ्रेम डोर विंडो इज कॉल्ड हेड। इसमें भी देख लेंगे, जो टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ अ फ्रेम, हेड, दोनों में सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर ऑफ अ डोर और विंडो इज कॉल्ड। द
द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर, मतलब जो शटर है अपना, ये जो फ्रेम है, इस मतलब पल्ला है, उसके जो साइड में जो जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको अपन स्टाइल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल। उसके नेक्स्ट वन देखते हैं, हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ अ फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड अ विंडो ओपनिंग हॉरिजेंटली इज कॉल्ड, ये आंसर हो जाएगा ट्रांसम। हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ अ फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड सब डिवाइडेड, ये शायद क्वेश्चन हो गया था, शायद रिपीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ अ डोर एंड विंडो, ये भी रिपीट हो गया, जंप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंप। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसम। उसी प्रकार ये नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिप्रेशन ऑफ अ रिसेस, डिप्रेशन और रिसेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर, मतलब जो डोर और विंडो के को सेट करने के लिए अपन जो इसमें मतलब बारीकी साइड्स मतलब साइड से मतलब एक सेट करने के लिए अपने जगह जगह बनाते हैं फ्रेम को, मतलब छेद करके इसमें ऐसे मतलब ऐसे साइड से लंबा ऐसा रहता है इसमें, इसमें ऐसा रहता है जिससे पल्ला आपका सेट हो जाए, उसे ही अपन रिबेट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मलियन क्या होता है, मलियन का जैसे इसमें जो वर्टिकल मेंबर होता है जो सब डिवाइड करता है फ्रेम को, उसको मलियन बोलते हैं। तो एक मलियन से एक क्वेश्चन हो सकता है। इसमें इसमें टॉप रेल क्या होता है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है टॉप रेल, इससे टॉप रेल से एक क्वेश्चन हो सकता है। उसी प्रकार इसमें बॉटम रेल क्या होता है, उससे एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है विंडो और रेल, विंडो और डोर के, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखें इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसके बेसिक डेफिनेशन क्या होते हैं, और इसके मतलब साइज के बारे में, इसके साइज और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी क्वेश्चन रहते हैं, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, इसके बेसिक डेफिनेशन को समझ लिए हम। तो इसको मतलब एक ये है कि इसका अगर आप डायग्राम के साथ पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन कभी आपसे व्यापक में मिस नहीं होंगे। जैसे कि स्टाइल क्या होता है, स्टाइल वर्टिकल मेंबर होता है, ट्रांसम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, मलियन क्या वर्टिकल मेंबर होता है जो डिवाइड करता है, सब डिवाइड करता है, सील क्या होता है, हेड क्या होता है, उसके बाद इसमें होल्ड फास्ट, इसमें होल्ड फास्ट कहाँ पे लगता है, ये होल्ड फास्ट यहाँ साइड में वर्टिकल मेंबर में लगता है, जंप में। उसके बाद ये जंप क्या होता है, जो वर्टिकल मेंबर होता है जंप क्या होता है, बॉटम रेल क्या होता है, टॉप रेल क्या होता है, हॉर्न क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सब डिवाइडेड इनटू हेड होता है, उसको अपन हेड बोलते हैं। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैपम, वैपम के एग्जाम में, वैपम रेलवे SCC के जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है उसमें यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।